फाइनली हम लोग सियालकोट पहुंच चुके हैं। तो सर पहले भी काफ़ी दफ़ा बेइज्जती हुई है, मास्क वगैरह जो है हमने लगा लिया जी सेफ्टी के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। टाइम जो है वो 11 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो इस्लामाबाद से मैं इसलिए वापस आ गया था कि हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया था, उसके अलावा जो है गला भी काफ़ी ख़राब हो गया था। तो इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि 2-4 दिन मैंने देखा हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, तो इसलिए वापस आना मुनासिब समझा मैंने। तो अभी ठीक हूँ, बस गले का थोड़ा सा मसला है। तो 1-2 दिन में जो है फिर वापस चलेंगे इस्लामाबाद। अभी साकिब की कॉल आई है कि सियालकोट जाने किसी काम से, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो मेरे कपड़े वगैरह जितने भी हैं बहुत सारे इस्लामाबाद पड़े हुए हैं उस दिन के, वहाँ पे फ्लैट पे इदनान के फ्लैट पे पड़े हुए थे। फ़िलहाल कोई कपड़ा वगैरह साथ नहीं, एक सूट था वो पहन के मैं आ गया था, तो वही था। तो अभी जा रहे हैं, कुछ कपड़े लेके आते हैं, शर्ट वगैरह ले आता हूँ। मास्क वगैरह जो है हमने लगा लिया जी सेफ्टी के लिए, डस्ट वगैरह से बचने के। फाइनली हम लोग सियालकोट पहुंच चुके हैं। तो साकिब जो है वो अभी थोड़ा सा काम से सर्टिफिकेट लेना है कोई, तो वो लेने के लिए अंदर गया, तो मैं अभी यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ कचहरी में, सियालकोट कचहरी में बैठ। उम्र सारी मोटरसाइकिल दिखाओ। ये आ गया जी, 2 घंटे लगा गया है यहाँ पे, इतनी गर्मी में बिठा के गया हुआ था। आया है कि डिफॉल्टर क्या खाने आए हैं हम? हलीम सियालकोट में जब भी कभी आप में से किसी एक बंदे का चक्कर लगे कभी भी आना हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आबद फौजी हलीम है आप उन्होंने ज़रूर टेस्ट करनी है। बहुत ही इनका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का, बहुत ही कमाल का टेस्ट है। फाइनली कचहरी वाला जो काम है वो भी कंप्लीट हो गया, उसके अलावा जो कपड़े वगैरह लेने थे वो भी ले लिए। ये साकिब के पास है, तो एक कैप ली है, धूप बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। तो अभी आए हैं शूज़ वालों के पास, तो यहाँ से शूज़ लेंगे कोई अच्छे से। साकिब साहब आया पसंद कोई नहीं? नहीं टाकी जी, नहीं जो गर टाइप तस्मे कोई भी चलेगा, ब्लैक ब्राउन में। नंबर आ गया फिर इसको पसंद नहीं आने लगता है, पसंद आ गया आ गया। तो सियालकोट से वापस आ चुके हैं माशाल्लाह, सारे काम जो करने थे वो हो गए। तो अभी रास्ते में जो है ना वो सर्दाई पी जा रही है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए अभी सियालकोट से सारे काम वगैरह ख़त्म करके वापस आ चुके हैं। तो रास्ते में सरदाई पीने के लिए खड़े हुए थे थोड़ी देर के लिए, तो अभी निकल रहे हैं गांव की तरफ। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं।
अभी आया तो आते ही जो है ना ताज़ी ताज़ी बेइज्जती हुई है इन मूछों की वजह से। अम्मी कह रही हैं कि ये मूछें जो हैं सीधी करवा के कद वगैरह करवा के आओ, और भी एक दो काम है तो वो भी साथ में करना है। तो अभी चलते हैं मसियाल, तो वहाँ से जाके जहाँ से पिछली दफ़ा वीडियो में बताया था कद करवाया, तो वहाँ से जाके कद करवाते हैं। शॉपिंग वगैरह जो करनी थी वो हो गई है। एक पैंट ली है, तीन शर्ट ली हैं, एक जो शूज़ हैं वो ली हैं, और उसके अलावा एक कैप ली है बस। बच्चा जो है ना लंडे की नई नई कर पहन के आ गया ब्रांडेड अब मसीहाल जाना, अभी कटिंग करवाना, खत करवाना, बेइज्जती हो गई है सब्सक्राइबर से भी और घर वालों से। आशिक हैं मूछा, मूछों की वजह से पहले भी काफ़ी दफ़ा बेइज्जती हुई है, सब्सक्राइबर से भी हुई है, कज़न से भी हुई है, और अभी घर वालों से भी हो गया। वेली बड़ी पिछली देखी, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। तसीब भाई किधर आज नहीं आए थे? अज देखी नहीं, नहीं। और लिखे दा ही ते मुछ लिखे दा ही एक साइड ते बच्ची नाल चुकी छोटी जी। तो खाता महाराज माशाल्लाह कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई फिर अल्लाह हाफिज। चलो एक दम सही है। सियालकोट वाले जो काम है वो भी हो गए हैं जी, मूछों वाला जो काम है वो भी कंप्लीट हो गया। तो टाइम जो है वो रात के 9 बज रहे हैं। अभी देखते हैं, अगर मौसम अच्छा है तो वीडियो एडिट कर लेंगे, और अगर गर्मी ज़्यादा हो गई तो फिर सुबह करेंगे। तो बाकी यही वीडियो थी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अल्लाह पाक आपको आपके वालदैन को अच्छी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह।